नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको एक मुख्य समस्या जो पॉली हाउस में जो पॉली हाउस थोड़ा एक दो साल पुराने हो जाएं, तीन साल पुराने हो जाएं, तो उसमें एक मेन समस्या आती है माइट की और थ्रिप्स की। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जो ये धागे बने हैं ट्रेडलिंग ट्वाइन, इसके लिए फार्मर कोई इसमें प्रिकॉशन नहीं लेते। तो आपको ये देखना है कि जब भी आपको इस तरह की समस्या दिख रही है तो कहीं ना कहीं आपका जो पॉली हाउस है प्रॉपर डिसइंफेक्ट नहीं हुआ या उसमें कहीं आपने कोई कमी रखी। तो एक मुख्य चीज़ ये है कि जो ये हमारा ट्रेलेसिंग ट्वाइन होता है जिसमें हम धागे बांधते हैं, तो किसान ज़्यादातर के इसमें मिट्टी का सोलराइजेशन तो करते हैं लेकिन इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये 10-10 15-15 या 50-50 के बंडल बना करके आपको इसको उतारना है और उतारने के बाद 5 ग्राम पर लीटर ब्लीचिंग पाउडर का घोल बना करके और इसको उसमें थोड़ी देर तक डिप करना है। ये इससे आपका क्या होगा, जो भी इसमें आपको पिछली फसल के फंगस, माइट, थ्रिप, किसी के अंडे या जीवाणु जो रह जाते हैं, वो आप जब इसको ट्रेलिसिंग के लिए धागे नीचे करते हो और ये पौधे के संपर्क में आता है, तो उस समय ट्रेलिसिंग धागे पे अगर कोई अवशेष रह गए हैं किसी जीवाणु के, माइट के, थ्रिप्स के, तो वो उसको तुरंत होस्ट मिल जाता है प्लांट के रूप में और तुरंत वो डैमेज वहाँ पे दिखाई देता है। तो मेरा ये कहना है कि सोलराइजेशन प्रोसेस के साथ साथ आप अपना ट्रेलिसिंग ट्वाइस को भी डिसइंफेक्ट करने के लिए एक बार आप इसको उतार करके और एक डिसइंफेक्टेंट में प्रॉपर इसको ड्रिप करके क्लीन करके आप इसको रख दीजिए। जब अगली फसल में आपको दोबारा से क्रॉप लगेगी तो आप उस समय इसको दोबारा टांग लेंगे। वो खर्चा आपका जो हमने देखा यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर क्रॉप में माइट या थ्रिप्स का एक बार अटैक आ गया तो इसको दूर करते करते हमें बहुत सारे केमिकल, बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उस केस में आपका काफ़ी बचत हो जाता है अगर आप इस ट्रेलिसिंग धागे को, ट्रेलिसिंग ट्वाइन को प्रॉपर डिसइंफेक्ट करके ही इस्तेमाल करें। धन्यवाद। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस ऑन 8141446666 और व्हाट्सएप ऑन 9739618730। Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and subscribe to our YouTube channel, AgriPlus Tech India Private Limited, Hosur.